जागो इंडिया के इस आखिरी आधे घंटे के सफर की। यूपी के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक हवाई जहाज खेत के बीचों बीच चौथे मुंह गिरा पड़ा मिला। वजह क्या है आप खुद देखिए। खेतों के बीचों बीच औंधे मुंह गिरे इस हवाई जहाज को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। देखते ही देखते आसपास के सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। ज्यादातर लोगों ने किसी हवाई जहाज को इतने पास से पहली बार देखा था। सुनिए कैसे हवाई जहाज के गिरने की खबर मिलते ही लोग दौड़े दौड़े आए। जब हम आए थे तो ये गिर चुका था यहाँ पर, और काफी यहाँ के हमारे निकट जो उड़ान अकेडमी पुरसद है वहाँ के पायलट लोग जो है यहाँ पर थे, उन्होंने उसको देखकर अपने पायलट को लेकर जा चुके थे। जितने आदमी सो रहे हैं, मतलब जो आदमी सो रहे हैं सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं जहाज के। एयरक्राफ्ट की कुछ डैमेज हुआ है, उसका अगला चक्का टूटा हुआ है और थोड़ी बहुत उसमें डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, बाकी दोनों पायलट और उसके साथी पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल इस टू सीटर एयरक्राफ्ट में सुबह 9 बजे रांची से अलीगढ़ के लिए उड़ान भरी थी। विमान में ईंधन की कमी की वजह से इसे रायबरेली के इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी पर उतारा गया। रिफ्यूलिंग के बाद जैसे ही एयरक्राफ्ट में दोबारा उड़ान भरा, आसमान में इसका इंजन बंद हो गया, जिसके बाद पायलट ने गेहूं के खेत में एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं।